स्वागत है दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो है SBI क्लर्क के ऊपर, हम बात करेंगे। डिटेल में मैं बात करूंगा, तो आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसमें हम बात करेंगे लोएस्ट कट ऑफ कौन से स्टेट में जाती है। तो लोएस्ट कट ऑफ कौन से स्टेट में जाती है, देखिए अगर बात करें हम लोग, सब अलग अलग कैटेगरी है, जैसे साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, सबका अलग अलग है। ठीक है, आपको जैसे पता होगा नॉर्थ में तो कट ऑफ अक्सर हाई रहती है, 80+ 70+ नॉर्मली रहती है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वही रहेगी। ठीक है, अगर साउथ की बात करें, साउथ में चेंजेस होते हैं कट ऑफ में, कुछ कुछ स्टेट में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं अक्सर। केरला, कर्नाटका हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कट ऑफ अप डाउन होते रहता है। ठीक है, यहाँ पर आपको खुद भी पता होगा कि यहाँ पर कट ऑफ कभी कभी कम रहता है, कम मतलब क्या, 60 कभी 70+ चली जाती है, तो अप डाउन होते रहता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि कट ऑफ कोई एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर दे वो पॉसिबिलिटी नहीं है। बस ये एक एनालिसिस आपको दे सकता है कि यहाँ पर कितना गया था लास्ट ईयर और यहाँ पर कितना जाने का चांसेस बनता है। ठीक है, मान लें लास्ट ईयर कर्नाटका में 70 गया, ज़रूरी नहीं है कि ये साल भी 70 जाएगा, 60 के अराउंड भी जा सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ है पहले। आप अगर चेक करेंगे प्रीवियस 3-4 ईयर्स का एनालिसिस चेक करेंगे, तो कुछ ईयर 70+ रहा है, कुछ ईयर 60 के आसपास रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टेट में क्या है कि 70 के ऊपर ही रहा है, उससे नीचे आया नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी केसेस आता है। और साउथ का अगर, साउथ के बाद अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का देखिए एक पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट में एक बात कहना चाहूँगा आपको, नॉर्थ ईस्ट का ऐसा स्टेट, पहली बार भी मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बात और आज भी बता रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट ऐसा एक स्टेट है जहाँ प्रिडिक्ट करना लगभग इम्पॉसिबल रहता है कट ऑफ का, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितना था, लोएस्ट कट ऑफ 2.5 था से मिज़ोरम का। अब बहुत लोग कहेंगे कि मैंने इस बार कट ऑफ बढ़ा दिया, यार देखो वहाँ पर आप जाके भी फ़ायदा नहीं है, SBI का LPT बहुत स्ट्रिक्ट होता है, आप फेल हो जाओगे। ये बात अगर पता नहीं है तो, जो लोग दिए हैं फेल हुए हैं, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो LPT में फेल हुए हैं, और बहुत सारे वीडियो में उन्होंने कमेंट करके भी बताया और मुझे भी पर्सनली बताया बहुत सारे कैंडिडेट ने। तो इसलिए वहाँ पर मिज़ोरम में स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में लोग डरते हैं कि लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो लैंग्वेज में फेल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। लेकिन जहाँ का लैंग्वेज आपको आता है वहाँ पर इशू नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट में वही कट ऑफ पे हम बात करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में कट ऑफ क्या रहता है कि जैसे मैंने आपको बताया 30 भी कट ऑफ रहा है 4-5 साल के करीब में, और 70 के आसपास भी रहा है कट ऑफ। तो ऑन एवरेज आजकल एवरेज क्या चल रही है आपका, 60-70+ कट ऑफ आपका एवरेज चल रहा है। तो इस बार भी आपका 60-70 के बीच में, मोस्ट ऑफ़ द स्टेट का 60-70+ के बीच में मोस्ट ऑफ़ द स्टेट का रहने का चांसेस है, और ये भी चांसेस है कि 60 के नीचे भी कुछ स्टेट में रहने के चांसेस हैं कट ऑफ का। तो यही है कि आप अगर नॉर्थ ईस्ट अप्लाई किए हैं तो एक सरप्राइज़ के लिए वेट करें और अपना प्रीलिम्स का तैयारी अच्छा से करें। और ये दिमाग में मत सोचिएगा कि आपने अटेम्प्ट इतना किया है तो आपका क्लियर नहीं होगा, अभी प्रीलिम्स एग्ज़ाम बाकी है। तो पॉजिटिव सोच के रखना, ये माइंड में रखना कि आपने अगर 70 भी अटेम्प्ट कराया आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 60 भी अटेम्प्ट कराया आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और 70 भी अटेम्प्ट करके आपका सिलेक्शन नहीं भी होगा, और 50 करके भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कहा नहीं जा सकता है यहाँ पर। तो आप ये दिमाग में सोच के रखें और अच्छे से मेहनत करें और अच्छा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ताकि आप जितना भी अटेम्प्ट करें आपका क्लियर हो जाए। तो बाकी सब लक के ऊपर है, 50 में क्लियर हो जाए, कुछ लोग 50-60 अटेम्प्ट किए 50 में क्लियर हो जाता है, कुछ लोग 60 अटेम्प्ट करते हैं कट ऑफ 70 जाता है क्लियर नहीं होता है, वो अलग बात है। लेकिन ये एक बात नॉर्थ ईस्ट का याद रख लेना दिमाग में कि कुछ भी हो सकता है, जैसे IBPS में आपने देखा होगा बहुत कुछ हुआ है, तो वैसे ही SBI में भी कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कट ऑफ ये मिथ हटा देना दिमाग से कि लास्ट ईयर इतना गया था तो इस बार इतना जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।